जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हमास के शर्त के आगे झुकना ही पड़ेगा। इसराइल ने भी माना नहीं बचा कोई रास्ता, तो क्या फिलिस्तीन आंदोलन की हो गई बड़ी जीत? क्यों बेबस है इसराइल, जानेंगे पूरा मामला। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे, अमेरिकी मिसाइल का जवाब परमाणु बम से देंगे पुतिन, बनाया तबाही वाला नया नियम। पुतिन है पुराना खिलाड़ी, इसी के साथ आपको बताएंगे सऊदी अरब में क्यों 100 से ज्यादा विदेशियों को दी गई फांसी, इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा, निशाने पर प्रिंस MBS। तो दोस्तों, सभी खबरें आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हाँ दोस्तों, इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। जंग के एक साल बाद भी इज़राइली बंधकों की वापसी न होना उनके सत्ता से बेदखल होने की सबसे बड़ी वजह बन सकता है। इज़राइल की सड़कों पर आए दिन बंधक डील के लिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दूसरी ओर लेबनान की धरती से हिजबुल्ला भी आए दिन इज़राइली शहरों पर हमला कर रहा है। दोनों छोर में किसी पर भी पूर्ण युद्ध विराम के लिए नेतन्याहू तैयार नहीं है, और अभी तक के प्रस्तावों में उन्होंने ऐसी शर्तें लगाई है जिनकी वजह से मध्यस्थों के लिए शांति प्रस्ताव पर अमल कराना और मुश्किल हो गया है। नेतन्याहू सेना पर दबाव बना रहे हैं कि सैन्य ऑपरेशन के जरिए बंधकों की रिहाई कराई जाए, जबकि पूर्व रक्षा मंत्री यो गैलेंट कह चुके हैं कि गाजा में सेना अपनी उच्चतम कार्रवाई पूरी कर चुकी है, अब बंधकों की रिहाई कूटनीतिक चैनल से ही हो सकती है। उन्होंने साफ कहा था कि हर मसले का हल जंग नहीं है। दरअसल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार शाम को गाजा में बंधकों की रिहाई पर खास मंत्रियों और शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी। खबरों के मुताबिक इस बैठक में कथित तौर पर माना गया कि हमास के साथ युद्ध विराम ही बंधकों को रिहाई कराने का एकमात्र तरीका है। अज्ञात स्रोतों ने कई हिब्रू मीडिया आउटलेट्स को बताया कि तेल अवीव में रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय में हुई इस बैठक में शिनबेट, IDF और मोसाद के प्रमुख अधिकारी शामिल हुए। सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों ने सरकार के मंत्रियों को बताया कि हमास अभी भी युद्ध को खत्म करने और गाजा पट्टी से सेना की वापसी की मांग कर रहा है, जबकि एजेंसियों ने पिछले महीने उसके नेता यहिया सिनवार को भी मार दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुरक्षा प्रमुखों ने इस बात पर जोर दिया कि लीडर की मौत के बाद भी हमास का रुख बदला नहीं है। उन्होंने कहा, ऐसी मांगों पर सहमत होना ही किसी समझौते पर पहुंचने का एकमात्र तरीका होगा। दरअसल हमास शुरू से कहता आया है कि वो किसी भी अस्थायी युद्ध विराम को नहीं मानेगा। हमास का साफ कहना है कि इज़राइल गाजा से सेना की वापसी करे, गाजा के पुनर्निर्माण और मानवीय सहायता के लिए प्रतिबंधों को हटाया जाए और पूर्ण युद्ध विराम हो, यानी हमास एक दो दिन या महीने के लिए युद्ध बंद नहीं चाहते। उनका साफ कहना है कि हमेशा के लिए युद्ध बंद होना चाहिए और सभी फिलिस्तीनियों को इज़राइली जेलों से आजाद करना होगा, तभी वो बंधकों को रिहा करेंगे। वहीं लेबनान में सीज फायर की कोशिश एक बार फिर तेज हो गई है। अमेरिका के विशेष दूत अमोस होचेस्टिन हिजबुल्ला और इज़राइल के बीच संघर्ष विराम पर बातचीत के लिए मंगलवार को बेरूत पहुंचे हैं। सोमवार को लेबनान ने सीज फायर प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, जिसके बाद इज़राइल के जवाब का इंतजार है। लेबनानी अधिकारियों के साथ अगर अमोस होचेस्टिन की चर्चा कामयाब होती है तो वो इसको आगे बढ़ाने के लिए बुधवार को इज़राइल की यात्रा करेंगे। एक लेबनानी अधिकारी ने AFP को बताया, लेबनान इस प्रस्ताव पर बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, हमने इस सिलसिले में बहुत प्रगति की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मसौदे पर आखिरी तैयारी की जा रही है। अमेरिकी दूत इसी मसौदे की आखिरी प्रक्रिया पर चर्चा के लिए बेरूत पहुंच रहे हैं, यानी अब पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरी ओर जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में बड़ा फैसला करते हुए यूक्रेन को रूस के खिलाफ युद्ध में अमेरिकी मिसाइल के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। लेकिन अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने एक दाव से दिखा दिया है कि वो इस खेल के कच्चे खिलाड़ी नहीं है। पुतिन ने एक ऐसा नियम पास कर दिया है जिससे अगर रूस की सरजमीन पर अमेरिकी मिसाइल गिरी तो दुनिया भर में तबाही आना तय है। राष्ट्रपति पुतिन ने नए न्यूक्लियर सिद्धांत पर हस्ताक्षर कर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के नियमों में बड़े बदलाव को मंजूरी दे दी है। नए न्यूक्लियर सिद्धांत के अनुसार अगर किसी न्यूक्लियर ताकत वाले देश की मदद से रूस की जमीन पर कन्वेंशन मिसाइल हमला होता है तो वो ऐसी स्थिति में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए स्वतंत्र होगा। रूस के न्यूक्लियर सिद्धांत में बदलाव की प्रक्रिया
कई महीनों से चल रही थी, लेकिन पुतिन ने इसी हफ्ते बदलाव को मंजूरी देकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के उस फैसले का जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने यूक्रेन को लंबी दूरी वाली अमेरिकी मिसाइलों के रूस के खिलाफ इस्तेमाल को मंजूरी दी है। रूस ने इस बदलाव में कन्वेंशनल मिसाइल के हमले के साथ साथ ड्रोन या दूसरे एयरक्राफ्ट के अटैक को भी शामिल किया है। न्यूक्लियर सिद्धांतों में हुए बदलाव के अनुसार रूस के खिलाफ किया गया ऐसा आक्रमण अगर किसी गठबंधन के सदस्य देश की ओर से होता है तो मॉस्को इस आक्रमण को पूरे गठबंधन की ओर से किया गया हमला मानेगा। यानी अगर अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ होता है तो रूस इसके लिए पूरे नाटो गठबंधन को जिम्मेदार मानेगा। खबर ये भी आ रही है कि अमेरिका जिस मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन को करने की इजाजत दी है, यूक्रेन ने पहली बार अब उस मिसाइल से रूस पर हमला किया है। ऐसे में हालात और तनावपूर्ण हो सकते हैं, जो कि दुनिया के लिए खतरा है। दरअसल इससे पहले अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बेटे ट्रंप जूनियर ने बाइडन के इस फैसले की आलोचना की थी। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने कहा था कि बाइडन और डेमोक्रेटिक पार्टी उनके पिता के कार्यभार संभालने से पहले ही तीसरा विश्व युद्ध करवाना चाहते हैं, जिससे ट्रंप को रूस यूक्रेन के बीच शांति कायम करने का मौका न मिले। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, सऊदी अरब में 2024 में अब तक 101 विदेशी नागरिकों को मौत की सजा दी जा चुकी है। यह आंकड़ा सऊदी के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा है। 2023 और 2022 में यह संख्या मात्र 34 थी, लेकिन इस साल ये संख्या 3 गुना बढ़ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि साल खत्म होने तक ये संख्या और भी बढ़ सकती है। इस बढ़ोतरी ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को मानवाधिकार संगठनों के निशाने पर ला दिया है। NDTV की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब में नशीली दवाओं से जुड़े अपराधों में सबसे ज्यादा विदेशी दोषी पाए गए। इस साल 92 फांसियों में से 69 विदेशी नागरिक थे। मानवाधिकार संगठन यूरोपीय सऊदी संगठन फॉर ह्यूमन राइट्स ESOHR के कानूनी निदेशक ताहा अल हजी के अनुसार विदेशी नागरिक ड्रग माफिया का आसान शिकार बनते हैं और कानूनी प्रक्रिया के दौरान उनके अधिकारों का हनन होता है। रेप रीव नामक समूह के जैद बसयूनी का कहना है कि फांसी की बढ़ती संख्या ने मृत्यु दंड पाने वाले लोगों के परिवारों में डर पैदा कर दिया है। वो हमेशा इस बात से डरते रहते हैं कि अगला नंबर उनके किसी प्रियजन का हो सकता है। इस साल सऊदी अरब में जिन विदेशियों को फांसी दी गई उनमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान के 21 और यमन के 20 नागरिक शामिल है। सीरिया के 14, नाइजीरिया के 10, मिस्र के 9, जॉर्डन के 8 और इथोपिया के 7 लोग शामिल है। सूडान, भारत और अफगानिस्तान से 3-3 और श्रीलंका, इरिट्रिया और फिलीपींस से 1-1 व्यक्ति को फांसी दी गई है। दरअसल सऊदी अरब में मौत की सजा के इस्तेमाल को लेकर लगातार जांच हो रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने सऊदी अरब को चीन और ईरान के बाद दुनिया भर में कैदियों को फांसी देने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बताया है। इस साल फांसी की बढ़ती संख्या पर सऊदी अरब के वास्तविक शासक क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी निशाने पर है। मौतों की संख्या मोहम्मद बिन सलमान के उन दावों के उलट है, जिनमें उन्होंने कहा था कि सऊदी ने हत्या और कुछ गंभीर अपराधों को छोड़कर मौत की सजा को समाप्त कर दिया है। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में दें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।